हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल राज बाइक डॉक्टर में। दोस्तों इस वीडियो आप देख रहे हैं मेरे पास ये जैक है दोस्तों, जो कि हमारे घर में बहुत ही काम आता है दोस्तों, कि जिसके पास भी साधन है, ट्रैक्टर है, कुछ वाहन है, गाड़ी घोड़े है, तो उनके पास में वो काम आते ही दोस्तों। तो ये ख़राब हो चुका है तो इसको मैं रिपेयर करने बताऊँगा, इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। इसका बेयरिंग टूट चुका है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि इसका बेयरिंग किस तरह से चेंज किया जाता है। इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ होता है चौकोर, उसको खोल लेंगे हम, इसको खोल लेंगे, ठोक के बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने खोला था फिर इसको घुमा घुमा के इसको बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। आप देख लेंगे बाहर आ चुका है, तो आप देख लेंगे इस तरह से बाहर आ चुका है। और इसके बीच में आप देख लेंगे ये बेयरिंग लगा हुआ होता है जो कि इसका पूरी तरह से टूट चुका है और ये भी घिस चुका है। तो आप देख लेंगे इसकी जो बीच में अंदर गोली आती है, वन वे बेयरिंग आता है इसका, यानी इसके अंदर बीच में गोली लगी हुई है, ऊपर नीचे प्लेट होती है, तो ये भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसकी गोलियाँ निकल के भग चुकी भी, इसके अंदर एक भी है नहीं। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमारा जैक फ्री हो चुका है। इतना सारा सामान होता है इस जैक के अंदर, उसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, कंटिन्यू मैं सामान इसका आपको बेयरिंग बताता हूँ, कौन सा बेयरिंग आएगा इसके अंदर, क्या प्राइस का है और इसको किस तरह से लगाना है। चलो दोस्तों देखिए। तो इसको बेयरिंग चेंज करने से पहले हम इसकी पूरी साफ सफाई कर लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा काला काला हो रखा है, इसको अच्छे से साफ करेंगे दोस्तों, और इसको अंदर से भी साफ करेंगे, बाहर से भी साफ करेंगे इस तरह से। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ ये उभरा हुआ पार्ट है, तो इसको हम सही करेंगे घिस घिस आगे, तो किसी तरह से एकदम बराबर फ्लैट करना है इसको। ये उभरा हुआ भाग है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी बेयरिंग खराब होगा इससे। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो इस तरह से ऐसे उठवा एकदम, और आप देख रहे हो ये बेयरिंग में लेके आए थे, जेम कंपनी का है और इसका नंबर है दोस्तों 0.16। आप देख रहे हो 0.16 इसका नंबर है बेयरिंग के, कुछ इस तरह से ये है। और ये मेरे को बाजार में मिला दोस्तों 195 रुपये, लगभग 200 रुपये के आसपास मेरे को मिला ये, इस तरह का है। आप देख रहे होंगे इसकी ऊपर नीचे कटोरी है इस तरह की, और ये इसकी प्लेट है, ये दोनों के बीच में कुछ इस तरह से चलता है, इसे वन वे बेयरिंग भी बोला जाता है, इस तरह से काम करता है। और यहाँ पर यह लगता है इसके ऊपर वो आता है इसका सामान, और नीचे से वो जो इसका सफर होती है वो सफर आती है, तो इस तरह से काम करता है दोस्तों। यहाँ पर एक जगह ये घूमता है, तो हम इसको लगाने से पहले यहाँ पर इसके अंदर ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा गोलियों के अंदर। तो आप देख रहे हैं मैं गोलियों के अंदर इसके यहाँ पर ग्रीस कर लेता हूँ ताकि आसानी से घूमे। साइड भी गैस कर लेना है, बस इसको ऊपर लगा देते हैं कुछ इस तरह से, इसको करते हैं साइड में। और सबसे पहले इसकी जो सापड़ होगी दोस्तों, सापड़ आएगी कुछ इस तरह से, और सापड़ आप देख रहे हैं कि इसको उल्टा करेंगे तो ये दो आपको इसकी जगह दिख रही होगी फिक्स सेटी वेल्डिंग की हुई, तो ये वाला भाग है दोस्तों इसके अंदर जाएगा कुछ इस तरह से, इसके अंदर ही जाना चाहिए ताकि इधर उधर घूमे नहीं है, कुछ इस तरह से इसको कर लेंगे ऊपर कुछ इस तरह से, और इसको वापस जैसा जैसा रख देंगे। और इसके तो यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, इसको भी साफ कर लेंगे। तो ये साफ़ है हमारी पूरी ग्रीस होनी चाहिए, इसके पूरी पर ग्रीस लगा होना चाहिए, तो इस बेयरिंग को रखते हैं हम यहाँ पर। तो अभी इसको ऊपर वाला पार्ट्स है, इसको रखते हैं इस पर कुछ इस तरह से, और इसको कुछ इस तरह से घुमाते हैं इसको। तो आप देख रहे हो दोस्तों हमारे जैक एकदम आसानी से काम करने लग गया, देख रहे हैं कितने आसानी से घूम रहा है। और अब इसको ऊपर जो है वाला सब पार्ट होता है काम करने वाला, उठाने लगा इसको लगा दिए कुछ इस तरह से वापस, आप चाहो तो यहाँ पर बेल्डिंग भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाता है, इस तरह से लॉक हो जाता है। इसको हल्का सा चौड़ा फिरा देना है आसानी से ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसके जो बोल्ट है दोस्तों, वो बोल्ट हम वापस लगा लेंगे यहाँ पर, जब हमने इसके बोल्ट ओपन किए थे दोनों,
ये वाले बोल्ट इसको भी टाइट कर लेंगे ताकि यहाँ से बाहर नहीं निकले, इसलिए यहाँ पर बोल्ट लगे होते हैं। ये बोल्ट नहीं लगाएंगे हम तो ऊपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसको रोकने के लिए यहाँ पर दो बोल्ट, तीन बोल्ट होते हैं तो तीनों साइड।